हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर सावित्री श्रीवास्तव। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर का चैप्टर 9 क्रिया पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, क्रिया वाक्य का अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होता है, यानी क्रिया के बिना किसी वाक्य को पूरा नहीं किया जा सकता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे सौम्या टेनिस खेल रही है या रफीक काम कर रहा है, जिसमें खेल रही है और काम कर रहा है, ये क्रिया का बोध करा रहे हैं। यानी कि वाक्य में किसी काम के करने या होने की सूचना देने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया विकारी होते हैं। विकारी इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार इनका रूप बदल जाता है। यानी अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया का रूप दूसरा होगा, पुल्लिंग है तो क्रिया का रूप बदल जाएगा। इसी प्रकार से वचन, पुरुष और काल के आधार पर भी क्रिया का रूप बदलता रहता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और धातु के साथ विभिन्न प्रत्यय लगा करके ही क्रिया के रूप बनाए जाते हैं। क्रिया के भेद, क्रिया के भेद दो प्रकार से होते हैं। पहले कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। वाक्य में जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब उसमें कर्म नहीं होता है, कर्ता की विधानता होती है। जैसे आना जाना, उठना बैठना, सोना जागना और होना, ये अकर्मक क्रियाएं हैं। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ रही है, लड़के बस से स्कूल जा रहे हैं, इसी तरह से सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया में जिन क्रिया शब्दों में कर्म की अपेक्षा होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखना, खरीदना, सुनाना, लिखना, भेजना, ये सभी सकर्मक क्रियाएं हैं। जैसे रानी सेब खरीद रही है, माँ कहानी सुना रही है, पिताजी पत्र लिख रहे हैं, सुशील डाक से सामान भेज रहा है, इत्यादि। संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, संरचना की दृष्टि से क्रिया के चार भेद हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। सामान्य क्रिया, जिस वाक्य में एक क्रियापद हो वो सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने काम नहीं किया, तुम अब घर जाओ, इस वाक्य में एक क्रियापद है, इसलिए ये सामान्य क्रिया है। संयुक्त क्रिया में, जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिया का मूल रूप धातु होता है, तो जब दो या दो से अधिक धातुओं से बने क्रियापद को संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी कि दो धातुओं से क्रिया का निर्माण होता है। इसमें पहली क्रिया मुख्य अर्थ देती है तथा दूसरी उसे विशेष छवि देती है। जैसे मेरा एक काम कर दीजिए, तो कर और दे ये दो धातुएं हैं। कर दीजिए तो दो क्रियाएं हैं इसमें। इसी तरह से